हेलो कैंडिडेट, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज की जो जॉब है वो आई है चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड की तरफ से। नोटिफिकेशन में आगे बढ़ने से पहले सब चीज़ से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कर लीजिए लाइक, और देखते हैं अब आगे नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है। नोटिफिकेशन में इन्होंने 5 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसियाँ निकाली हैं। सभी पोस्ट हैं जनरल मैनेजर की रहेंगी। पहली जो पोस्ट है वो जनरल मैनेजर कंस्ट्रक्शन में है, जिसके लिए आपको पे किया जाएगा 1.5 लाख से 1,90,000 का मंथली। साथ ही में जो सेकंड जॉब है उसकी बात करें तो वो है एडिशनल जनरल मैनेजर सेफ्टी के लिए, जहाँ पर जो आपकी मंथली पेमेंट रहेगी वो रहेगी 1,20,000 रुपये। वहीं थर्ड पोस्ट जो है वो है एडिशनल जनरल मैनेजर लीगल के लिए, जहाँ आपकी मंथली सैलरी रहेगी 1,20,000। वहीं एडिशनल जनरल मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में बात करें तो वहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी 1,20,000 रुपये। वहीं डिप्टी जनरल मैनेजर फाइनेंस और अकाउंट्स की बात करें तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 90,000 रुपये पर मंथ। क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ए के लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट रहेगी आपके पास बीटेक होना चाहिए सिविल में, साथ ही आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन 23 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उन 23 साल में आपके पास 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस मेट्रो कंस्ट्रक्शन या फिर डीप एक्सकवेशन सपोर्ट सिस्टम में होना चाहिए। पोस्ट कोड 2 की बात करें तो यहाँ पे आपके पास बीटेक इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से मिनिमम 1 साल का पीजी, या फिर होना चाहिए आपके पास डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में। साथ ही साथ आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन 17 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इन 17 साल में आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेट्रो कंस्ट्रक्शन और मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। पोस्ट 3 की बात करें तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए लॉ से मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। साथ ही आपके पास होना चाहिए मिनिमम 17 साल का एक्सपीरियंस किसी भी पीएसयू में लीगल्स मैटर हैंडल करने का। अगर आपने किसी पीएसयू में काम नहीं किया है तो आपके पास प्राइवेट सेक्टर में एक्सपीरियंस होना चाहिए 17 साल का उस कंपनी के साथ, जहाँ पर उस कंपनी का टर्नओवर हो 250 करोड़ रुपये का। पोस्ट कोड 4 के लिए बात करें तो आपके पास सिविल की डिग्री होनी चाहिए बीटेक की, जहां आपके पास मिनिमम 17 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आउट ऑफ 17 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल या फिर क्वालिटी एश्योरेंस में किसी भी मेट्रो रेलवे लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में। पोस्ट 5 की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, साथ ही आप मेंबर होने चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के, या फिर मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के। साथ ही आपके पास 13 साल का मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिलेवेंट फील्ड में पीएसयू और गवर्नमेंट सेक्टर के साथ। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन आपका 2 स्टेज प्रोसेस में होगा। पहला जो है वो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको एग्ज़ाम मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस में आपको जज किया जाएगा कि आपके पास नॉलेज कितनी है, आपके स्किल्स कैसे हैं, कॉम्प्रिहेंशन कैसा है, एटीट्यूड एप्टीट्यूड कैसा है, और आपकी फ़िज़िकल फिटनेस कितनी है। साथ ही में CMRL जो आपका मेडिकल टेस्ट करेगी वो अपने बेसिस लेवल पे ही करवाएगी, तो उसका जितना एक्सपेंस होगा वो CMRL खुद बियर करेगा। साथ ही में CMRL ये भी कहता है कि अगर आप इंटरव्यू और मेडिकल पास कर लेते हैं तो ये कोई श्योरिटी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जब तक CMRL अपना इंक्वायरी नहीं कर लेगा पर्सनल बेसिस पे और सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा। पेमेंट की बात करें तो पेमेंट जो है आपका नॉन रिफंडेबल रहेगा। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल की रहेगी 300 रुपये, वहीं STSC की रहेगी 50 रुपये। किसी भी कंडीशन में एक बार पेड की गई फ़ीस आपको रिफ़ंड नहीं होगी। जनरल कंडीशंस में बात करें तो अप्लाई करने वाला कैंडिडेट इंडियन होना चाहिए, साथ में आपका एज क्वालिफिकेशन और जो आपका एक्सपीरियंस है वो 5/5/2021 से ऊपर नहीं होना चाहिए। आपकी जो जॉब है वो इनिशियली 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे होगी, साथ में ही रिक्वायरमेंट और परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपकी जो जॉब एक्सटेंशन है वो किया जा सकता है। आगे की तरफ बात करें तो जितने भी कैंडिडेट्स क्लियर करने के बाद इंटरव्यू को CMRL आएंगे उनको किसी भी तरह का TADA प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। साथ में अगर कोई भी किसी भी तरह का इनकम्प्लीट एप्लीकेशन
और विदाउट रिलेवेंट सपोर्टिंग इनक्लोजर्स, जैसे आपके सेल्फ अटेस्टेड कॉपियाँ जो आप उनको सेंड करेंगे उसमें किसी में भी कमी रहती है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करें कि अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई आप दो तरह से कर सकते हैं। पहला प्रोसेस ऑनलाइन जो कि ईजी रहेगा, सेकेंड प्रोसेस है आपका ऑफलाइन। तो अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो आपको एप्लीकेशन का जो आपका एनवलप होगा उसके ऊपर आपको मेंशन करना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, साथ ही आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर भी। नीचे दिए गए एड्रेस पर आपको सभी हार्ड कॉपीज़ को सेल्फ अटेस्ट करके इनको भेजना होगा। और जो आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपका बायोडाटा होना चाहिए, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट और आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, साथ ही ये सब चीज़ें आपको 4 जून 2021 से पहले पहले पोस्ट करना होगा। और अगर आप ऑनलाइन भेजते हैं तो आपको अपनी मेल आईडी से CMRL की मेल आईडी जो कि है senthil.s@cmrl.in इस पर 4 जून 2021 से पहले पहले भेजना होगा। साथ ही इन्होंने अपना अकाउंट नंबर शेयर किया है जहां पे आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको किसी प्रकार कोई डाउट होता है तो अपनी इंक्वायरी के लिए आप इन्हें senthil.s@cmrl.in पर मेल भी कर सकते हैं। तो आज की जॉब में बस इतना ही। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जल्दी ही अप्लाई कीजिए। सभी को ऑल द बेस्ट। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ।